453,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 147,766, शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिला करके जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंतर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए। और अंतर जनपद ही हम सब लोग शिक्षकों को, जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा है और बच्चे वहां पे कम है, तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहाँ पे बच्चे कम है उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी अन्य काफी सारे इसमें सवाल उठाए थे जो कि मूल प्रश्न से काफी अलग है, शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों के लिए भी जो कि उनको मानदेय दिया जाता था, शिक्षा मित्रों को 3,500 रुपए का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपए का हम सब लोगों ने मानदेय करा है। और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्योंकि मानदेय उनको मिलता है और 11 महीने के लिए वो मानदेय पे रखे जाते हैं, इसीलिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था बनाई गई है। और जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन ATRE ग्रेजुएट BTC टेट, जिन लोगों ने ये सारी अर्हताओं को पूरा किया, उन सभी शिक्षा मित्रों को हमारी जो पिछले हमारी सरकार में दो भर्तियां आई, 68,500 की भर्ती और 69,000 की दो भर्ती, इन सभी भर्तियों में इन सब लोगों को अवसर दिया गया, इनको अलग से वेटेज भी दिया गया। और काफी सारे हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 69,000 में 6,688 और 68,500 में 8,552 शिक्षा मित्रों को हमने शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके इनको वही सहायक अध्यापक की जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है और पठन पाठन के कार्य को बेहतर बनाया जा रहा है।